असहाय को मदद के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं पूरा निरंतर पूरे बिहार पे पूरे देश पे नज़र रखे हैं और खास करके हमारे बिहार से सभी हर जाति धर्म के लोग हमारे भाई लोग दूसरे राज्य में फंसे हैं बुरी तरीके से, उनको खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रहा, तो हमारा कोशिश है कि हम उनको हर संभव उनको आर्थिक मदद पहुंचाएं और मैं निरंतर हमारे पार्टी के तरफ से कंट्रोल रूम बनाते हैं और पूरे देश पर नज़र रखे हैं और खास करके जो बिहार से हैं उनको मदद पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। आज लोग हमारे दूसरे राज्य में भूखे सो रहे हैं, आज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, आज इनको थाली पीटने और दीपावली मनाने के अलावा दूसरा काम उनको नज़र नहीं आ रहा। आज लोगों को खाना पीना दवा दारू सब मुहैया कराने की जगह आज देश के प्रधानमंत्री अपने जवाबदेही से दूर भाग रहे हैं और प्रधानमंत्री ये दिखा रहे हैं कि हमारे साथ देश की जनता है कि नहीं है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री के साथ पूरे देश की जनता, तो ही तो देश के प्रधानमंत्री 6 महीना पूर्व में ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और रहा कि आज हम लोग इकट्ठा होकर हर किसी को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री को साबित करना है कि देश के साथ वो है कि नहीं है, आज वो देश के लोगों को कितना चाह रहा, कितना उनको मदद पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री को अपने आप को साबित करने के समय है, ना ही कि देश की जनता को साबित करना है कि हम प्रधानमंत्री के साथ है कि नहीं। आज तो निश्चित तौर पर देखिए, हम विपक्ष में रहते हुए भी हम पूरे भारत में जितना लोग हमारे बिहार के लोग फंसे हैं हर जाति धर्म को हम लोग मदद पहुंचाने के लिए जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री के साथ हम भी खड़े हैं कदम से कदम मिला के, लेकिन सरकार को जो सिस्टम जो काम करना चाहिए बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, कोलैप्स है। राज्य सरकार भी खाना पूर्ति किया 1,000 रुपया हर लोगों को पहुंचाने का, आप बताइए कि 21 दिन में लोग 1,000 रुपया मुझका घर चल जाएगा, ये कहीं ना कहीं खाना पूर्ति हो रहा, सरकार इस पे सोचे कम से कम 10,000 रुपया उनको पहुंचाए और अपने पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया के द्वारा लिस्ट बनाए और उनके अकाउंट में पैसा भेजा और मुखिया को बोले कि उनको पैसा वितरण करने के लिए। आज ऐसा हो रहा है कि राशन का डीलर के पास जा रहा, राशन नहीं मिल रहा है, ना ही व्यवस्था मिल रहा है और जनता को पूरा पता है, जनता टीवी मीडिया को देखकर ना सोचे, जनता अपने पंचायत में देखिए कि आपके पंचायत में सरकार से क्या सुविधा मिल रहा है, क्या प्रवासी लोगों को कितना मदद पहुंच रहा है वो आप देखिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो काम है सरकार अपना काम नहीं कर रही, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लेकिन हम लोगों का जो फर्ज है निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे और निरंतर इसी तरीके से हम पूरा कंट्रोल रूम बना के और लोगों पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे लोग हैं भूखे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं।